नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी तरह से बैंक कर रहे हो। दोस्तों आज हमारे पास एक हैंडसेट है जो कि रेडमी 9 पावर है, जिसमें कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है। दोस्तों आज देखेंगे नेटवर्क के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। देख सकते हैं इस की जो पीसीबी का जो कंडीशन है वो देख सकते हैं। इसकी जो पीसीबी है वो आपकी यहाँ से ये पीसीबी आपकी जली हुई है। ये जो पीसीबी है वो आपकी यहाँ से जला हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो पीसीबी है उसका जल गया है। तो देखेंगे कि एक्चुअल इसमें कई आईसी जल गई हैं। तो मैंने यहाँ पर इसका सील्ड ओपन किया तो मुझको मालूम है कि यहाँ पर कई सारा कंपोनेंट और आईसी जल गया। तो देखेंगे दोस्तों इस को किस तरह सॉल्व करते हैं। वीडियो को आप एंड तक देखना, तभी हम समझ पाएंगे कि किस तरह से इस तरह के फॉल्ट को रिपेयर करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका जो पार्ट्स है वो जल गया है, और इसमें हमने देखा कि कई टाइप के इसमें आपके प्रॉब्लम आ गए हैं। तो यहाँ पर आपकी कुछ आईसियाँ हैं वो जल गई हैं, यहाँ पर आपका एंटीना स्विच वो भी जल गया है, और यहाँ से हमने इसका वायर चेक किया था तो ये वायर इसका कंप्लीट है, मतलब यहाँ तक का जो वायर है वो ओके है। नेटवर्क की सील्ड को खोला तो देखा कि यहाँ पर ये जल गया है, यहाँ पर ये आपका जल गया है। यहाँ पर ये जला हुआ है। चलो देखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना तभी आप समझ पाएंगे। और हमारी वीडियो से आपको कुछ भी फायदा होता है चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना। इसी वीडियो में आपके लाता रहता है जिससे आपका कुछ ना कुछ तो फायदा हो। चलो देख लेते हैं कि इस सेट को कैसे रिपेयर करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने इसका सिम लगा दिया है, ठीक है। कोई भी नेटवर्क यहाँ पर नहीं है, नेटवर्क बिल्कुल ही देखो यहाँ पर कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा आपका। देखेंगे तो यहाँ पर आपका कोई भी नेटवर्क आपका जब आता है तो यहाँ वो वाइट हो जाता है, तो नेटवर्क नहीं आ रहा। तो देखेंगे एक्चुअली इसमें क्या समस्या आता है, क्योंकि ये जो बोर्ड है वो आपका यहाँ से जला हुआ है। यहाँ पर हम सर्किट को निकालेंगे, और जैसे हमने देखा कि यहाँ पर ये एंटीना के वायर जहाँ पर अटैच होता है उस साइड जल गया है, तो हम यहाँ से अलग कर लेते हैं बोर्ड को। यहाँ पर हमने बोर्ड अपना डिसेंबल कर लिया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका एंटीना वाला जहाँ वायर अटैच होता है वहाँ से सर्किट इसका जल गया है। तो हम एक बार देखेंगे यहाँ पर इसका एंटीना स्विच, और जो आपका एंटीना स्विच के बगल में जो आईसी लगा है वो भी आपका यहाँ पर जल गया है। ये वाला आईसी भी देख सकते हैं, जो आईसी आपका दो एंटीना टिप्स के नीचे लगा है वो भी जल गया है, जो कि आपका एक चौकोर आईसी है। तो ये आपका एंटीना स्विच है। सबसे पहले हमको इसका टीन निकालना होगा, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल ही अपने कटर की मदद से आपको इसका जाली काट लेना है। या ध्यान रखेंगे जाली काटते समय आपको ध्यान रखना है कि कोई कंपोनेंट आपका टूटे ना। तो मैं यहाँ पर बहुत ही सावधानी से जाली को काट रहा हूँ। यहाँ पर जो हमारा जितना हमको ज़रूरत है हम उतना ही जाली काटेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर इस जाली को हम इतना ही अलग कर लेंगे यहाँ तक जहाँ पर हमारा ट्रांस रिसीवर आईसी लगा हुआ है। सबसे पहले हम बोर्ड को क्लीन करेंगे, तो यहाँ पर अपने थिनर से बोर्ड को क्लीन किया है, और यहाँ पर हमारा बोर्ड क्लीन हुआ है। अब हमको सभी लाइंस क्लियर देखेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो लाइन है जो आपका यहाँ पर ऊपर एंटीना स्विच लगा हुआ है वहाँ से जो लाइन आपके जिस फिल्टर आईसी के अंदर आता है वो भी आपका यहाँ पर वो ख़राब हो गया है। सबसे पहले हम निकालेंगे एंटीना स्विच को जो कि हमारा ख़राब हो गया है, इसको हमें बाईपास करना पड़ेगा। आपको वीडियो में बने रहना तभी आप समझ पाएंगे कि नेटवर्क के हम किस किस आईसी को बाईपास कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीना स्विच की, जिसको हमको चेंज करना पड़ेगा। ये हमारा यहाँ पर ये जल गया है, तो यहाँ पर हम इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एंटीना स्विच निकल चुका है, और देख सकते हैं यहाँ पर ये भी आईसी जो कि डैमेज था, यहाँ पर ये भी आईसी आपका डैमेज है। तो हम इस आईसी को भी अभी निकाल लेंगे। सबसे पहले जो हमने आईसी निकाला है वो देखते हैं, वो कम्प्लीट डैमेज है। थोड़ा सा क्लीन करेंगे और ट्रैक्स देखेंगे। तो यहाँ से ऊपर से जो हमारा, इसके बाद हमको ये आईसी भी निकालना होगा, क्योंकि हमको ये आईसी भी जला हुआ दिख रहा है, ये आईसी भी आपका डैमेज है। यहाँ पर हमारा ये आईसी भी डैमेज है, तो हमको ये आईसी भी निकालेंगे। तो यहाँ पर आप हीट को कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो ये आईसी है जो कि हमारे सिग्नल को डिस्ट्रीब्यूट करती है या फिल्टर करती है, तो ये आईसी भी आपकी यहाँ पर ख़राब हो गई है, ठीक है। एक टाइप का फिल्टर है, तो यहाँ भी आपका ये आईसी भी ख़राब हो गई है। तो हमको यहाँ पर एंटीना स्विच और आपका ये आईसी
का कनेक्शन को कैसे करना है, वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जितना भी हमारा 3 ICM पर ख़राब हुआ है उनको हम बाईपास करेंगे और अपने नेटवर्क को यहाँ पर स्टेबल करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ये 3 IC यहाँ पर हमारा जल गया है नेटवर्क के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पर एंट्रेंस स्विच की जहाँ से सप्लाई होती है उस सप्लाई को हम वहाँ से बाईपास कर देंगे। जहाँ से हमने ऊपर एक कैपेसिटर निकाला था तो वहाँ से सप्लाई को बाईपास करेंगे। और ये जो IC है इस IC को भी हमको बाईपास करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमारा सिग्नल नहीं आएगा जब तक हम IC को बाईपास नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी जल गई थी। तो हम यहाँ पर 2 जंपर लगाएंगे, 2 जंपर से इस काम को कर लेंगे। जंपर हमने कैसे लगाए इसके लिए आपको डायग्राम का नॉलेज होना चाहिए, डायग्राम की मदद से आप ये काम को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 जंपर लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम सेकंड जंपर लगा देते हैं। फर्स्ट जंपर को हमने बाईपास कर दिया है, सेकंड जंपर को बाईपास करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो हमारा सिग्नल है वो हमारा सिग्नल बूस्ट होता है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने ये लगा दिया है और हमारा सिग्नल वीक था, बिल्कुल लो सिग्नल था। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से ले यहाँ तक लाइन क्लियर है। हमारा ये बीच में लगे हुए फ़िल्टर जो कि सप्लाई को यहाँ से सिग्नल को फ़िल्टर कर देंगे जिससे हमारा नेटवर्क बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने दोनों सप्लाइयों को बाईपास कर दिया है। अब देखेंगे कि हमारा नेटवर्क यहाँ पर आता है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने बोर्ड को थोड़ा सा क्लीन किया है और हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देख सकते हैं, इस IC को हम बाद में नया लगा देंगे। तो यहाँ पर पहले हम नेटवर्क चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जंपर लगाया है और एक बार चेक करेंगे कि अभी इसमें नेटवर्क आता है कि नहीं। तो देखेंगे बैक साइड, देखते हैं यहाँ पर जंपर लगाया हमने। तो यहाँ पर जो जल गए थे वो हमने जंपर किया है और यहाँ जंपर से देखते हैं कि हमारे नेटवर्क आते हैं कि नहीं। हमने इसको बाईपास किया लाइन को। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा नेटवर्क यहाँ पर आ चुका है। आप देखेंगे यहाँ पर हमारे ये नेटवर्क आ रहे हैं, देखो यहाँ पर जो बाईपास किया है वो हमारा नेटवर्क आ रहा है। नेटवर्क हमारा 4G आ रहा है, देखो 4G आ रहा है और नेटवर्क हमारा आ चुका है। जो लाइन हमारा मिस था वो कंप्यूटर उठाकर हमने बाईपास कर दिया है। एक बार इसमें इंटरनेट चला के देखेंगे और कॉलिंग करके देखेंगे। तो यहाँ पर नेट चलाते हैं पहले। तो यहाँ पर देखो 4G आ गया, एक बार देखेंगे। आप दिखा देना चाहता हूँ मैं आपको, यहाँ पर देखो ये 4G आ गया आपका, ठीक है। एक बार नेट चला के देखेंगे। यहाँ पर हमारा इंटरनेट चल गया है। तो देखा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो पर।